हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट यानी कि एनटीए में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन जून 2019 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन नॉइस पॉल्यूशन से पूछा गया था। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके दोस्तों को मेरे चैनल्स की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। देख लेते हैं क्वेश्चन जो जून 2019 में पूछा गया था। एन एरोप्लेन कॉज अ साउंड लेवल ऑफ 110 डीबी ऑन टेकिंग ऑफ। व्हाट इज द साउंड लेवल ऑफ फाइव सच आइडेंटिकल एरोप्लेन्स टेकिंग ऑफ साइमल्टेनियसली। तो इसमें हमें कुछ चार ऑप्शन दिए हैं, 117 डीबी, 115 डीबी, 113 डीबी एंड 110 डीबी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारा यूज होगा फॉर्मूला, वो है साउंड प्रेशर लेवल का, SPLT। यह है साउंड प्रेशर लेवल ऑफ टोटल फाइव एरोप्लेन। इस फॉर्मूले को दोस्तों याद कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला है 10 इंटू लॉग समेशन 10 SPLI डिवाइड बाय 10। इसमें दोस्तों ये है समेशन I 1 टू N, N है नंबर ऑफ प्लेन्स, दैट इज N हियर इज 5। अगर हमसे अगर 10 पूछा जाए तो N हमारा 10 हो जाएगा। SPLI क्या है हमारा? SPLI था IS साउंड प्रेशर लेवल। यहाँ पे हमें सारे एरोप्लेन का सेम SPL दिया है, दैट इज 110। अगर इनके समय डिफरेंट प्लेन का डिफरेंट SPL दिया है, जैसे 110, 105, 115, तो हम ये अपने फॉर्मूले में देख लेते हैं कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे इस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में हमें दिया था SPL इज इक्वल टू 100, और यही हमारा पांचों प्लेन का, यानी कि जो हमें फाइव प्लेन का गिवन है उनका भी सेम है। तो हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इसको एक्सपेंड कर लिए n इक्वल टू 5 तक। अगर दोस्तों सपोज हमें हर प्लेन का इंडिविजुअल प्लेन का अलग दिया होता तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू लिखते हैं। जैसे हमारे फर्स्ट प्लेन का सपोज 110 दिया होता तो इसकी जगह हम सेकंड प्लेन का हमें 105 दिया होता 105 रखते, थर्ड का हमें 100 दिया होता हम 100 रखते, फोर्थ का हमें 110 दिया होता 110 रखते। तो वहाँ पे वैल्यू थोड़ी डिफरेंट आती और थोड़ा सॉल्व करने में हमें डिफिकल्टी होती। यहाँ पे क्या है, हमने सारे प्लेन्स का हमें सेम SPL दिया है, तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 5 ऐड कर लेंगे इंटू 10 टू पावर 11। 11 कैसे, 10 से 0 कटा था, 11 हो गया। तो दोस्तों लॉग जब हम मल्टीपल में होता है तो लॉग, जैसे हम लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे लॉग a प्लस लॉग b। लॉग a में मान गया लॉग 5 आएगा और लॉग b में क्या आएगा हमारा, ये दोस्तों यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 नहीं आएगा, यार 10 गलती से रीड कर दीजिएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा और यहाँ पे एक ब्रैकेट आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 इंटू लॉग 5 जब a हो जाएगा यहाँ पे, और 10 इंटू लॉग 10 टू पावर 11। तो लॉग 5 की वैल्यू दोस्तों आपको याद रखनी पड़ेगी, या आपको दी गिवन नहीं होगी, लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.698। तो दोस्तों आप लॉग 1, लॉग 2 से लेके लॉग 9 तक की वैल्यू आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको ये गिवन नहीं हुई क्वेश्चन पेपर में। अगर आपको लॉग की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको लॉग 5 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी जो हमारी है 0.698। तो हमारा 10 इंटू 0.698 प्लस 10, जो हमारा 10 की पावर है वो हमारा आ जाएगा लॉग से बाहर आ जाएगा, यानी कि लॉग 10 टू 11, और यहाँ पे होगा लॉग 10 टू पावर 10। तो लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये हमारा हो गया 110, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 116.98 डीबी हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज नियरली इक्वल टू 117 डीबी। दोस्तों ये तो केस हुआ जब हमें मल्टीपल्स प्लेन दिए। सपोज हमें दो ही व्हीकल दिए हों और दोनों का डीबी सेम दिया हो, दो डिफरेंट व्हीकल हो दोनों का डीबी सेम दिया हो, तो उस केस में हमें क्या होता है, जैसे हमें
110 दिया है, दो व्हीकल दिए हैं, तो हमें इसे ऐड करना है। तो इस केस में हमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट थंब रूल याद रखना है, जब भी हमें टू साउंड प्रेशर लेवल ऑफ इक्वल वैल्यू विल ऑलवेज रिजल्ट इन 3 dB इंक्रीज। तो हमें दो व्हीकल दिए हैं 110 dB साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा डायरेक्टली 113 dB जब उसे हम ऐड करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आप मिनिमम दो जब सेम दिए हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।